फ्रेंड्स, दिस इज जया और आज हम लोग पढ़ेंगे जॉन ड्राइडन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रही जॉन ड्राइडन की फोटो। जॉन ड्राइडन वॉज एन इंग्लिश पोइट, लिटरेरी क्रिटिक, ट्रांसलेटर एंड प्ले राइट हु वॉज अपॉइंटेड इंग्लैंड फर्स्ट पोइट लॉरिएट इन 1668। ड्राइडन का जन्म 9 अगस्त 1631 को नॉर्थम्पशायर के एल्डविकल नामक स्थान में हुआ था। ड्राइडन का शैशवावस्था टिकमार्श में व्यतीत हुआ, जहां उनके नाना जी रेवरेंड हेनरी पिकरिंग की संपत्ति थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा विख्यात डॉक्टर बुस्वी द्वारा संचालित हुआ वेस्टमिंस्टर स्कूल में और ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से उन्होंने 1654 में बीए की उपाधि ग्रहण की। उसी वर्ष उनके पिता का डेथ हुआ एंड 1657 से वह लंदन में रहने लगे। ड्राइडन एक राजकवि और इतिहास लेखक घोषित किए गए और 100 पौंड यानी 100 पौंड की पेंशन भी उन्हें मिलती थी। 1683 में उनकी नियुक्ति लंदन के भूभाग में कलेक्टर और कस्टम के पद पर हुई। 1685 में जेम्स सेकेंड के राज्यारोहण पर ड्राइडन ने इंग्लैंड के चर्च का बहिष्कार कर कैथोलिक धर्म को स्वीकार किया। 1668 की क्रांति में कैथोलिक धर्म छोड़ने तथा विलियम थर्ड के प्रति राजभक्ति की शपथ लेने से अस्वीकार करने पर ड्राइडन राज्य का कोभाजन बने और उनके सभी पद और पेंशनें उनसे छीन ली गईं। उनकी डेथ, जॉन ड्राइडन की डेथ 1700 के मई दिवस पर गठिया रोग से हुआ और वेस्टमिंस्टर एबे में उन्हें दफनाया गया। फ्रेंड्स, ये रही जॉन ड्राइडन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिसे हम लोगों को एक बेस में तैयार रखना चाहिए, ताकि हम लोग आगे उन चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ा उनके राइटिंग्स पे वो देख सके। अंग्रेजी काव्य को ड्राइडन की प्रथम देन एक कविता थी, जिसकी रचना उन्होंने 1649 में अपने फ्रेंड यंग लॉर्ड हेस्टिंग्स की स्मृति में की थी। उस समय वह केवल 18 वर्ष के थे। वह कविता डन ऑफ क्वीनलैंड के आध्यात्मिक कविताओं की पद्धति का अनुसरण कर लिखी गई है, किंतु 1659 में प्रकाशित क्रॉमवेल की मृत्यु पर रचित उसके हीरोइक स्टेजों में प्रवाह की कुछ कमी होते हुए भी साहित्यिक पुष्ट। जॉन ड्राइडन की रेस्टोरेशन विषयक प्रशस्ति कविताएं, जिनका 1660 में एस्ट्रिया रिडक्शन से प्रारंभ होकर 1667 में एनस मिराबिलिस से अंत होता है, पद्य शैली में उनके अभूतपूर्व एवं आश्चर्यजनक आधिपत्य को प्रदर्शित करती है। कुछ अस्वाभाविक चित्रों तथा अनावश्यक अलंकृत शब्द विन्यास के होते हुए भी एनस मिराबिलिस अपनी सशक्त ध्वनि, काव्योचित अभिव्यक्ति एवं संगीतात्मक गुणों के कारण एक विलक्षण कृति है। फ्रेंड्स, कितना साहित्यिक लिटरेचर पढ़ने को मिल रहा है हम लोगों को इंग्लिश हिस्ट्री को जान करके, कि इंग्लिश हम लोग समझते हैं कि इंग्लिश कोई बहुत ही हल्की चीज़ है, उसको यूं ही बना दिया गया है, कोई भी इसे बोल सकता है, लेकिन जब इनके पीछे की मेहनत देखी गई इतने लोगों की, इतने बड़े बड़े राइटर्स की, क्रिटिक्स की, जैसे हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं जेफरी चौसर को, विलियम शेक्सपियर को, जॉन मिल्टन को, आज हम लोग पढ़ रहे हैं जॉन ड्राइडन को, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इंग्लिश लिटरेचर के इतने अलग अलग प्रारूप को देखने का मौका मिल रहा है। ड्राइडन अनेक वर्षों तक नाट्य रचना में व्यस्त रहे। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि इस प्रकार की रचनाओं को वह घृणित समझता था और केवल आर्थिक लाभ के लिए वह ऐसी रचनाएं करते थे। 1663 और 1694 के बीच, अर्थात अपनी प्रथम कॉमेडी द वाइल्ड गैलेंट और अपने अंतिम नाटक लव टैम्पलेट मिलाकर, ड्राइडन ने कुल 7 कॉमेडी, 5 वीरता विषयक नाटक और 4 ट्रेजिडी ट्रेजिक कॉमेडी और 4 ट्रेजिडी की रचनाएं की। उक्त कृतियों में हीरोइक कपलेट्स में लिखा हुआ प्रमुख नाटक कॉन्क्वेस्ट ऑफ गैनेडा 1670 सर्वाधिक उल्लासपूर्ण कॉमेडी, मैरिज एलामोर्ड 1672 तुकयुक्त कपलेट पर लिखित उनकी अंतिम ट्रेजिडी औरंगजेब 1675
ब्लैंक वर्ष में निर्मित उनका प्रथम और सर्वश्रेष्ठ नाटक ऑल फॉर लव 1677 तथा उसी पद पद्धति पर रचित उनकी डॉन सेवेस्टियम 1689 नामक ट्रेजिडी उनकी ड्राइडिंग की सर्वश्रेष्ठ रचनाएं हैं। डॉन सेवेस्टियम उनके सर्वोत्कृष्ट नाटक ऑल फॉर लव के समकक्ष रखा जा सकता है, बल्कि कथानक की गहनता और गठन की दृष्टि से यह उससे भी श्रेष्ठ है। यद्यपि नाट्य के क्षेत्र में ड्राइडन ने निसंदेह महत्वपूर्ण कार्य किए, किंतु उनकी पूर्ण सृजनात्मक शक्ति उनके 50वें वर्ष में प्रकाशित ग्रंथ एवजलम एंड एकिटेफिल में प्रफुष्टित हुई, जो अपने तीक्ष्ण बुद्धि, विलास, ज्वालामन शब्द योजना, प्रहरात्मक आक्षेप एवं व्यंग्यात्मक चित्रण के लिए एक अद्भुत रचना है और अंग्रेजी भाषा में सबसे महान राजनीति व्यंग्य काव्य है। इसके पश्चात ही 1682 में द मेडल प्रकाशित हुआ, जो जन नायकवादी नीति पर सीधा प्रहार है। तदुपरांत उसी वर्ष मैकफ्लैक्नो प्रकाश में आया, जो अंग्रेजी भाषा के व्यक्ति प्रधान व्यंग्य काव्यों में अपना शीर्षस्थ स्थान रखता है। इस पे टॉमस शेडविल द्वारा रचित द मेडल ऑफ जॉन वेल्स में अपनी पुस्तक द मेडल के प्रति किए गए आरोपों का ओजस्वी और कटु उत्तर है। हीरोइक कपलेट से विलसित व्यंग काव्य में नियोजित काव्य कथा का यह प्रथम उदाहरण है और पोप के डेनिसिट का संकेत प्रस्तुत करता है। 1682 में ही रिलेजिलोरियस का प्रकाशन हुआ, जिसमें इंग्लैंड के प्रोटेस्टेंट चर्च का दृढ़ समर्थन और ईश्वरवाद के विरुद्ध स्पष्ट और तीव्र तर्क प्रस्तुत किए गए। द हाइंड एंड द पैंथर, जिसमें ड्राइडन के कैथोलिक धर्म की ओर परिवर्तित विचारधारा का न्यायोचित निर्देशन है। ड्राइडन का सुप्रसिद्ध धार्मिक घोषणा पत्र है और अपनी स्पष्टता, तर्क पद्धति एवं निष्कपटता के लिए इसकी अधिक ख्याति है। अंग्रेजी भाषा में सर्वोत्कृष्ट धार्मिक व्यंग है। अद्वितीय दक्षता और ज्वलंत शक्ति से ओतप्रोत आक्षेप, उत्तेजना और तर्क की उद्देश्य पूर्ति के लिए इन सभी कविताओं की रचना तुकमुक्त हीरोइक कपलेट में ही हुई है। ड्राइडन की काव्य प्रतिभा गीतात्मक तत्वों की उपेक्षा है। उसके नाटक के अंतर्गत गीतों में असाधारण वैविध्य और आकर्षण है। उनके ओड्स टू द पायस मेमोरी ऑफ मिसेस एनी किलिग्रू 1686, अ सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलिया डे 1687 और अलेक्जेंडर फिस्ट 1697 में शालीनता और प्रभा का अच्छा निर्वाह हुआ है। क्रांति के बाद प्राय 10 वर्षों तक ड्राइडन उच्च कोटि के ग्रंथों को अनुदित करने में लगे रहे और उन्होंने वर्जिल तथा जुविनॉल का महत्वपूर्ण अनुवाद प्रस्तुत किया। टीएस इलियट ने लिखा है, ड्राइडन ने अपनी अनुदित और मौलिक रचनाओं से अंग्रेजी भाषा के निर्माण तथा वृद्धि में योगदान दिया है। 1700 में अपनी मृत्यु के कुछ ही समय पहले उन्होंने फेबल एशेंट एंड मॉडर्न की रचना की, जिसमें होमर, एविबोकेशियो और चौसर की कहानियों को पदबद्ध प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि ये कहानियां ड्राइडन की वृद्धावस्था, अस्वस्थता और प्रतिकूल परिस्थिति में लिखी गई है, फिर भी इनके कारण उनकी गणना अंग्रेजी पद में कहानी लिखने वाले श्रेष्ठ कथाकारों में होती है। ड्राइडन की गद्य रचना में मुख्यतः उनके निबंध और भूमिकाएं हैं, जो काव्य और नाट्य संबंधी विविध समस्याओं से संबंधित हैं। यह प्रथम ऐसे महान अंग्रेज आलोचक, क्रिटिक, आधुनिक अंग्रेजी गद्य के संस्थापकों में से एक हैं। बर्नार्ड शॉ को छोड़कर यह भूमिकाओं के सर्वश्रेष्ठ लेखक हैं। ड्राइडन की कुछ रचनाओं को देख लेते हैं। एस्ट्रिया रिडक्स, एनिस मिरेबल्स, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, एबिजलम एन एक्टिफुल, मैकफ्लैक्नो, द मेडल, रिलीजियोलेसी, टू द मेमोरी ऑफ मिस्टर ओल्डहम, थ्रिनोडिया ऑगस्टेंस, द हिंद एंड द पैंथर, अ सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियास डे, ब्रिटेनिया रिडिविया, रिटन टू मार्क द बर्थ ऑफ जेम्स प्रिंस ऑफ वेल्स, Most Important Epigram on Milton, Creator Spirit by Whose Aid, 1690 Translation of Rapnes Morsius, Veni Creator's Spirits. So friends, ये थे जॉन ड्राइडन और पढ़ के इनको अच्छा लगा, समझना और भी आसान हुआ। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अलेक्जेंडर पोप को। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, इन्जॉय करिए, लेकिन साथ साथ पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि करियर का सवाल है। एंड फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। बाय बाय।